हेलो दोस्तों, 10 और 20 किचन में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, सुबह का टाइम है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला भिंडी, जो कि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। मैंने यहाँ पे भिंडी को धो करके ले लिया है, बस अब इसे कट कर लेना है। तो देखिए, भिंडी को इस तरह से दोनों साइड से छोटा छोटा काट लेंगे और सारी भिंडियों को इस तरह से काट करके बीच से हमें काट करके बस रखना है। ताशु बहुत बदमाशी करता है, बस इसे बीच से काट करके इस तरह से रखते जाना है। सारी भिंडियों को धो करके दोनों ही साइड से काट के बीच से इस तरह से काट के हम रख लेंगे। फिर फ्रेंड्स, देखिए सारी भिंडियाँ अच्छी तरह से कट चुकी है और एकदम नरम कौली भिंडी है। फिर मैंने यहाँ पे प्लेट लिया, प्लेट में डाला है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 पैकेट मैगी मसाला डाला है और 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा नींबू डाला है। ये हो गया हमारा मसाला तैयार। सारे मसालों को मिक्स करके हमें भिंडी के अंदर भर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे मसाले को भिंडी के अंदर इस तरह से भरते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और भिंडी को एक साइड रखते जाएंगे। तो ये बनकर तैयार हो गया भिंडी में मसाला भर करके, बस अब इसे बनाना है। तो ये रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है फ्रेंड्स। आप इसे पराठे, दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती। फिर मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे बारीक बारीक काट लेना है हमें। तो ये देखिए, प्याज भी कट करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, जब आपको समझ में ना आए कि भिंडी की सब्जी खा के बोर हो गए हैं, तो ये मसाला भिंडी ज़रूर बनाइए। फिर मैंने 2 चम्मच तेल लिया है, 1 चम्मच सरसों डाला है, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच जीरा डाला है और प्याज को डाल दिया है। प्याज को डालते ही साथ हमें तुरंत भिंडी को डाल देना है। फिर इसे धीमी आंच में करीब 10 मिनट पकने देना है चम्मच चलाते हुए। भिंडी बहुत ही अच्छी तरह से पक जाती है, तो देखिए कलर पूरा चेंज हो जाता है। भिंडी पक करके तैयार है, इसे 2 मिनट और तक पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए भिंडी मसाला बन करके तैयार है। हमने ऊपर से कोई भी मसाला नहीं डाला है और बस धनिया पत्ती डाल करके आप इसे खाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो मैंने 1 कटोरी में दाल, मुनगे की सब्जी, मसाला भिंडी, खीरा और चावल ले लिया है। ये हो गया हमारा आज का लंच तैयार। तो फ्रेंड्स, आपको भिंडी मसाले की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।